तो शुरू करते हैं सर हम लोग। आपको क्या करना है, कल हमने जैम्प इंस्टॉल कर लिया था, उतना तो सबको आ गया होगा समझ में। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना था, प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि पहले हमें जैम्प को इंस्टॉल कर लेना था, और एक बार जैम्प इंस्टॉल हो जाए उसके बाद क्या करना था, जरा कुछ समय बताइएगा। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद क्या करना था? आपको सी ड्राइव में आना था, है ना, क्योंकि आपका नॉर्मल जो जैम्प इंस्टॉल होता है किसमें होता है, सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में अगर आप आएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा जैम्प नाम से। जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एस टी डॉक्स, है ना, एस टी डॉक्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर आपको अपना फोल्डर नया बनाना पड़ता है ना। तो इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था, किस नाम से, narayanit.com के नाम से एक नया फोल्डर बनाया था, और यही हमारी वेबसाइट का नाम है। तो हमने एक चीज ये सीखी थी कि जो हमारी वेबसाइट बनती है वो दो चीजों से मिलके करके बनती है। किन किन चीजों से? एक तो एक होती है आपकी फाइल्स, और दूसरा होता है डेटाबेस, है ना। इन दो चीजों से मिल करके हमारी वेबसाइट बनती है। तो फाइल्स को हम नॉर्मली कहाँ पर डालते थे, narayanit.com के अंदर हम फाइल्स को डालते थे। फाइल्स कौन सी नॉर्मली होती हैं? फाइल्स होती है हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स, है ना। वर्डप्रेस जो होता है उसको हम कहाँ डालते हैं, narayanit.com के अंदर, है ना। और क्या करते हैं हम, एक डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करते थे, क्रोम ब्राउजर ओपन करते थे, याद आया। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में हमने क्या किया था, नहीं वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल किया था, लोकल होस्ट ओपन किया था, ठीक है। लोकल होस्ट ओपन करने का मकसद ये था कि हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं। देखो हमने फाइल बना ली, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया, वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद हमने कहाँ डाला था, narayanit.com के अंदर हमने डाल दिया था। वो जिप फाइल में था इसलिए हमने वो जिप एक्सट्रैक्ट करके उसको बाहर निकाल लिया था। तो जितनी भी फाइल आई थी एक बार हम देख लेते हैं उनको। यहाँ पर अगर आप सी ड्राइव में आएंगे, जैम्प में आएंगे, जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स में आएंगे, तो यहाँ पर narayanit.com का फोल्डर बना है। इस फोल्डर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस फोल्डर के अंदर हमारी क्या पड़ी है, ये सारी फाइल्स हैं। ये फाइल्स वर्डप्रेस की फाइल्स हैं जिनको हमने डाउनलोड किया था wordpress.org की वेबसाइट से। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर उनको एक्सट्रैक्ट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। तो इस तरीके से ये खुल करके पूरी आ गई। देन हमें क्या करना था, एक डेटाबेस बनाना था। डेटाबेस बनाने के लिए हमने क्या करा, लोकल होस्ट पर गए और क्रोम पर गए और लोकल होस्ट पर गए। जब हम लोकल होस्ट पे गए तो वेबसाइट खुल के आ गई थी ऑटोमेटिक, लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड करके, ठीक, डैशबोर्ड करके खुल के आ गया। इस डैशबोर्ड को जो हमने देखा तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक मेन्यू बना था पीएचपी माई एडमिन के नाम से, किस नाम से, पीएचपी माई एडमिन। उस पर जब हमने क्लिक करा तो हमें डेटाबेसेस दिख गए, लेफ्ट साइड में डेटाबेस दिखे थे। तब हमने वहां पर न्यू पर क्लिक करा था, और न्यू पर क्लिक करने के बाद हमने एक नया डेटाबेस बनाया था, और डेटाबेस का नाम क्या डाला था, narayanit, हमने उस डेटाबेस का नाम डाल दिया था। इतना काम सिर्फ हमने किया था। उसके बाद हमने क्या करा था कि अपनी वेबसाइट को क्रोम पर एक्सेस करने की कोशिश करी थी। तो अपनी वेबसाइट को क्रोम पर एक्सेस कैसे करा जाता है, हाँ, वैसे तो अगर आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे है तो सीधे आप narayanit.com डाल देंगे, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर को ही सर्वर आपने बना रखा है उस केस में आप आगे लोकल होस्ट जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, लोकल होस्ट स्लैश narayanit.com, है ना। ये हमारे बेसिकली फोल्डर का नाम है, ठीक है। तो हमने ये जब डाला था तब हमारे पास ऑप्शन आया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आया था। तब हमने क्या किया था, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या, सबसे पहले हमसे क्या जानकारी ली गई थी, सबसे पहले हमसे लैंग्वेज पूछी गई थी। लैंग्वेज के बाद में क्या पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो हमसे पूछा गया था कि भाई आपका डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, ये कुछ एक चीज़ें पूछी गई थी। तो वहाँ पर जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो आपका डेटाबेस नेम होगा वो डीबी नेम क्या होगा, रूट, क्या होगा, रूट। जो आपके डेटाबेस का नाम होगा वो हमेशा रूट होगा,
इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और जो डीबी पासवर्ड होगा, ये लोकल होस्ट की हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्वर की बात नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन में खेल सब अलग होता है, हम आपको गाइड कर देंगे, समझ में आ जाएगा, मास्टर बन जाओगे, उसकी चिंता मत करना, दिमाग पे जोर मत डालना, आराम से समझो सब। डीबी पासवर्ड क्या होगा? कुछ नहीं डालना था हमें, जो पड़ा हुआ था उसको हटा देना था, बस ये दो काम हमें यहाँ पर चेंज करने थे। ऐसा करने के बाद जब हमने नेक्स्ट पर क्लिक करा था, फिर क्या हुआ था? फिर से हमसे एक यूजर नेम कहा था कि यूजर नेम और पासवर्ड बनाओ अपना, ठीक है। ये पासवर्ड और यूजर नेम किस चीज का था? वेबसाइट का था, वर्डप्रेस का था। तो यहाँ पर हमने वेबसाइट में क्या डाल दिया था? शायद अपना नाम डाल दिया था, कुछ यही था, मैं भूल गया, पता नहीं क्या डाला था। पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड डाल दिए थे और उसके बाद आगे प्रोसेस किए थे, बस हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो गई थी। इतना काम हमने किया था ना, यही काम किया था, ठीक है, गुड। तो अब हम क्या काम करते हैं कि हम सबसे पहले हम ज़ैम्प को एक बार अनइंस्टॉल कर देंगे। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ से ये आपको नहीं करना है, ठीक है। हम आपको ये सारी कहानी एक बार फिर से बताने जा रहे हैं, क्या क्या हमने किया था, क्यों किया था, ताकि आपको एक बार दोबारा उस रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा, वो रास्ता आपको याद हो जाएगा। कोई भी काम करना है तो बार बार करना है, जब तक याद ना हो जाए तब तक करना है, दिमाग पर बिना जोर डाले हुए, ठीक है। तो ये हम पूरा सब कुछ हटा दे रहे हैं, जैम्प हमने अनइंस्टॉल कर दिया, और ये जैसे ही अनइंस्टॉल हो जाएगा हमारी सारी फाइल सब कुछ उड़ जाएंगी, ठीक है। तो दोबारा से हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्डप्रेस आप कहाँ से डाउनलोड करते हो? मैंने कर दिया शायद डिलीट, तब तक हम वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। तो सिंपल हम वर्डप्रेस सर्च करेंगे और wordpress.org की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से इसको हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड, ठीक है, चलो ये हो गया। अभी देखोगे तो आप दिस पीसी में आपको सी ड्राइव में जो फोल्डर है वो शायद ना दिखे, लेकिन अभी भी दिख रहा है, तो इसको भी हम एक बार डिलीट कर दे रहे हैं ताकि आपकी पूरी समस्या सॉल्व हो सके। देखो डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था? जैम्प डाउनलोड करना था, है ना। तो जैम्प भी हम डाउनलोड कर लेते हैं फटाक से। जैम्प डाउनलोड करने के लिए आपको जैम्प पर आ जाना था, और यहाँ पर जब हम जैम्प सर्च किए थे तो डाउनलोड का ऑप्शन आया था। डाउनलोड के ऑप्शन पर जाने के बाद में हमने यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन था उसको हमने कर दिया था डाउनलोड। हालांकि लेटेस्ट वर्जन ये वाला है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना, हमने उल्टा समझ के ये कर लिया था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन ये वाला है, ठीक है। तो आप कोई भी कर लो, कोई विशेष फर्क नहीं है, थोड़ा सा बक्स वगैरह का होगा। तो ये हमने कर लेना है इंस्टॉल, ये यस कर दिया हमने, दो बार कर दिया, वरना इसमें है बहुत कुछ बताने वाला। नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना, इंस्टॉल कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये फिर से हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया और ये इंस्टॉल होने लगा। सेलेक्ट पर क्लिक करिए, वहाँ से सी सेलेक्ट कर लो, सी ड्राइव, फिनिश पे क्लिक करें हैं। अब देखो हमारा जैम्प इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसको एक बार बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद आप नेक्स्ट टाइम पर जब खोलोगे तो यहाँ पर सर्च के बटन पर आपको क्लिक करना है, और सर्च के बटन पर आपको सर्च करना है यहाँ पर जैम्प। तो यहाँ पर आपको मिलेगा जैम्प कंट्रोल पैनल, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जैम्प खुल जाएगा। तो हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, क्या क्या चीज़ें आपको ऑन करनी है, अपाची और MySQL। तो अपाची और MySQL, देखो इसमें बताने को बहुत कुछ है लेकिन हम आपको मतलब की चीज़ें बात कर रहे हैं, है ना, वरना फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट सब पे हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपसे अपाची और MySQL, फाइलजिला बता देंगे आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ता है, है ना, अपाची और MySQL। तो दो चीज़ें हमने स्टार्ट कर लिया है। तो ये जितने भी सर्वर पे काम होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी पे चलते हैं, इसलिए इनको PID मिलती है।
उनका एक पोर्ट नंबर होता है, वो पोर्ट नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ विशेष नहीं करना, बस ये सिंपल सा इंस्टॉल करके, आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो। तो क्या अगर हमने बंद किया तो ये बंद हो गया है? नहीं, बंद नहीं हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ पर अभी भी अपाचे आपका चल रहा है और MySQL भी चल रहा है। इसको यहाँ स्टॉप करने का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो आपका स्टार्ट करने का ऑप्शन आ रहा है ना। बाकी चीज़ें ग्रीन है, ये तीनों क्या हैं? रेड हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक, अब हमारा सर्वर चल गया। 1 मिनट, एक काम हम और करते हैं कि हम अपने सर्वर को बंद करते हैं पहले। ठीक है, हम अपने सर्वर को हमने बंद कर दिया, अपाचे को भी बंद कर दिया और टॉम कैट को भी हमने, सॉरी MySQL को भी बंद कर दिया। अब हम गूगल क्रोम पर आते हैं और क्रोम पर आने के बाद हम जरा लोकल होस्ट डाल के देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, है ना। तो हमने डाला लोकल होस्ट, अब बताओ क्या आएगा, बताओ आप लोग क्या आएगा? हाँ, एरर आएगी। ठीक है, एरर आई ना। ये एरर क्यों आई? क्योंकि हमारा सर्वर तो चल ही नहीं रहा है। तो जब हमारा सर्वर नहीं चल रहा तो कोई चीज कैसे खुलेगी, समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अभी तो जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो मान लो कि हमने कोई वेबसाइट खोली HTTPS, और यहाँ पर हमने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी का मतलब कुछ भी ऐसे करके कुछ डाल दिया, और उसके बाद में लास्ट में .com डाल दिया। तो अगर हम इस वेबसाइट को खोलेंगे तो क्या आती है? एरर, क्योंकि ऐसी वेबसाइट है ही नहीं, तभी तो एरर आई। सेम उसी तरीके से अगर हम लोकल होस्ट चलाएंगे, लोकल होस्ट जब चलाएंगे तो एरर आ रही। क्यों? क्योंकि कह रहा कि आपके पास कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैम्प को, सॉरी अपाची को और MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसको कर दिया यहाँ से स्टार्ट। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, दोबारा से लोकल होस्ट खोलेंगे, आप देखो यहाँ पर हमारा लोकल होस्ट का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब लोकल होस्ट का डैशबोर्ड जैसे ही ओपन हुआ, तो हमने PHP माई एडमिन पर क्लिक करके हमें डेटाबेस बनाना है। तो हमने डेटाबेस बनाया, तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं बना है। ठीक, एकदम नया डेटाबेस बनाना है मुझे। तो नया डेटाबेस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। न्यू पर हमने क्लिक करा और डेटाबेस का कोई हमने नाम डाल दिया, जो भी आपको नाम डालना है आप डाल सकते हो। यहाँ पर हमने डाल दिया नारायण IT और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दिया। आप देखो यहाँ पर हमारा डेटाबेस बन गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लोकल होस्ट आप सर्च करेंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट को देखने के लिए क्या करोगे बताओ? क्यों हंसे बताओ? हाँ भैया, अभी तो हम अपनी वेबसाइट बनाए ही नहीं है ना, पहला स्टेप क्या होगा बताओ? अभी तो हमने डेटाबेस बनाया है ना, अभी तो हमने फाइल्स वगैरह कुछ बनाई ही नहीं है। तो यहाँ पर हम नारायण IT डालें या कुछ भी डालें, जब हम नारायण IT.com जैसी कोई चीज है ही नहीं अभी। अभी HTDocs के अंदर हमने कुछ बनाया क्या? जब नहीं बनाया तो यहाँ से खुलेगा क्या? कुछ भी नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो खुलेगा क्या? नारायण IT.com, देखो क्या आया, URL not found। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, डाउनलोड पे आना है और ये जो वर्डप्रेस आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके कहाँ जाना है बोलो बोलो, बोलते जाओ। हाँ, नारायण IT कहाँ है? अब हम नारायण IT नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे किसी नए नाम से। क्या जरूरी है नारायण IT बनाना? हम इस बार बना ले रहे हैं प्री ट्यूटोरियल के नाम से। ठीक, preTutorials.com के नाम से बना लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इसमें अपनी फाइल को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये वाली फाइल को हम डिलीट कर देंगे। इतना काम सारे लोग कर लो, कोई भी पीछे ना रहे, जो पीछे रहे मुझे बता दो। ये सारी फाइल्स को हम उठा के कहाँ डालेंगे, एक स्टेप बैक, माने कि HTDocs के अंदर डालेंगे, सॉरी प्री ट्यूटोरियल्स के अंदर डालेंगे, है ना। तो ये वाली फाइल हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, प्री
और pretutorials.com वाले फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर वो सारी फाइल पेस्ट कर देंगे और ये वर्डप्रेस का जो डिब्बा है इसको हम डिलीट कर देंगे। इतना काम सबका हो जाना चाहिए। देखो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो वर्डप्रेस का, ठीक है, तो अब ये तो अंदर की बात हो गई, आप लोगों को बता दे रहे हैं, पता नहीं हवा लगे ना लगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो जब आप अपना डेटाबेस खोलेंगे ना, तो अभी देखो इसमें हमने कुछ सेटअप तो किया नहीं है, तो इसीलिए अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं आ रही है। ये इनको हम यहाँ पर, जैसे मान लो टेस्ट नाम का डेटाबेस है, तो अभी आप देखोगे ना यहाँ पर कोई टेबल दिख नहीं रही। ये एक डेटाबेस है PHP में एडमिन के नाम से, इसमें देखो ढेर सारी टेबल बनी है। ये क्या है? टेबल है, लेकिन यहाँ पर अभी एक भी टेबल नहीं है। दिख रही कोई टेबल? यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है ना, टेबल नेम कुछ है ये नहीं। नारायण आईटी की हम बात कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा हाइड कर दें। हाँ अभी देखो नारायण आईटी हमने खोला और इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो टेबल कब बनती है? जब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तब हमारी टेबल बनती है। तो अभी इन्होंने इनका पासवर्ड वर्डप्रेस का भूल गए हैं। पासवर्ड रीसेट करने का हम तरीका बताते हैं अंदर से कैसे किया जाता है। बाहर से तो सभी कर सकते हैं, अंदर से वर्डप्रेस की कोर से कैसे आप सेटअप करोगे वो हम बताते हैं। तो हमने narayan.com खोला, आप बताओ क्या वेबसाइट खुलेगी? नहीं, डोमेन वो गलत डाला। हाँ गलत डाल दिया, तो क्या डाला है यहाँ पर? अब हमारा सेटअप शुरू हो जाएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हमारी वर्डप्रेस की फाइल प्रॉपर जहां हमें डालना होता है वहां पर हमने डाल दिया था। हमने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करके क्या करना है? कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर हमसे कह रहा है आपको डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। हम कह रहे हैं ठीक है। यहाँ पर बताओ डेटाबेस का नाम क्या डालेंगे? डेटाबेस का नाम क्या डालेंगे? बस यही गड़बड़ी है। डेटाबेस वर्ड समझो, डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं, तो डेटा हमने डेटाबेस किस नाम से बनाया है? नारायण आईटी नाम से बनाया है। हमारी जो वेबसाइट है pretutorials.com से है, लेकिन हम आपने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये काम मैंने किया है। यहाँ पर क्या डाल दिया है? तो डेटाबेस का नाम डालना है ना, तो डेटाबेस का नाम डालो यहाँ। बस देखो जो लिखा है उस बात को समझो। यहाँ पर कह रहा है डेटाबेस नाम, तो डेटाबेस जैसे ही आपके दिमाग में डेटाबेस की बात आए तुरंत PHP में एडमिन पे चले जाओ। जैसे ही डेटाबेस की बात आए तुरंत PHP में एडमिन पे चले जाओ। और PHP में एडमिन में क्या बना है? नारायण आईटी के नाम से हमने डेटाबेस बनाया है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? नारायण आईटी। यूजर नेम में हमें क्या डालना है? रूट डाल देना है। और पासवर्ड में बताओ क्या डालना है? कुछ नहीं, बाकी कोई छेड़खानी करनी है क्या? कुछ नहीं करना है, तुरंत हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे और हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा शुरू। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम डाल देंगे, जो भी आपका वेबसाइट हो वो आप डाल सकते हो। हमने यहाँ पर डाल दिया pretutorials। यूजर नेम आप जो डालना चाहो आप डाल सकते हो। यहाँ पर हमने डाल दिया pretutorials डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई पासवर्ड बना लेना है, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया pretutorials@1234। ठीक है, कंफर्म वीक पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। आपको स्ट्रांग पासवर्ड थोड़ा सा बनाना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, तो यहाँ पर हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। ठीक है, और ईमेल आईडी डालने के बाद इस पर क्लिक कर लेना है। वाह धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में नहीं दिखेगी, ठीक है, प्राइवेट हो जाएगी, तो आप ऐसा मत करें। फिर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्या डालेंगे? यूजर नेम। यूजर नेम किसका? डेटाबेस का? नहीं, वेबसाइट का। तो वेबसाइट का यूजर नेम क्या डाला था हमने? प्री ट्यूटोरियल। और पासवर्ड क्या डाला था? pretutorials@1234। पता नहीं पी कैपिटल डाला था स्मॉल डाला था। अब मान लो कि हम भी पासवर्ड भूल गए, अब हम पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे? तो पहला तरीका है, यहाँ पर लॉस्ट पासवर्ड पर क्लिक करो और अपनी ईमेल आईडी या यूजर नेम डालो। आपकी मेल आईडी पर आपका पासवर्ड, आप पहला इस तरीका यही कर लो दुर्गेश भाई।
है ना। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर देखो जादू हो गया क्या, कि जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेबल्स दिख जाएंगी। ये देखो आ गई 12 टेबल यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ये टेबल कभी कभी आपको जरूरत में काम आ जाती है, ठीक है। तो मान लो कि हमें पासवर्ड, यहाँ से हम अपना ईमेल आईडी और सब भूल गए हैं, कुछ भी हमें नहीं याद है, हमें पासवर्ड रीसेट करना है। तो उसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर डब्ल्यू पी यूजर्स में आओ, और यूजर्स में आओगे तो यहाँ पर जो यूजर नेम आपने बनाया था, देखो यहाँ पर यूजर नेम आ गया आपका, दिख गया, और यहाँ पर आपका पासवर्ड दिख गया। लेकिन ये क्या है, ऐसा पासवर्ड तो हमने डाला ही नहीं था। ये पासवर्ड, अच्छा ये पासवर्ड है कोडेड फॉर्म में, ठीक है, ताकि इसको कोई आसानी से समझ ना पाए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, कोई वर्ड याद है किसी को, एनक्रिप्शन टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन। हाँ, व्हाट्सएप पे इनक्रिप्शन वर्ड सुना है ना। इनक्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को कोड के फॉर्म में डाल देना। एक एग्जांपल बहुत अच्छा हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको भी इस बात को भूलो ना, ठीक है। बताओ ये क्या लिखा है, ये रवि लिखा है। देखो अंकिता को की पता चल गई, ठीक है। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन टेक्निक। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन टेक्निक। आप लोगों ने अगर तैयारी करी होगी एग्जाम्स की, तो वो पढ़ा होगा ना रीजनिंग, रीजनिंग पढ़ी थी, नहीं पढ़े थे। देखो ये रवि लिखा है, सबको दिख गया है रवि लिखा है, नहीं दिखा अभी, नहीं दिखा। देखो आर के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, वी के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, समझ आए। हमने एक वर्ड आगे, तो इस रवि का की क्या है, की है वन, इसका की है वन। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इनक्रिप्शन और एक होता है डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन कन्वर्ट अ सिंपल कोड टू अ इनकोडेड कोड, मतलब एक कोडेड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग अ की, एक की की मदद से। और वो की जिसको पता होगी वो उस कोड को तोड़ सकता है। ये तो हमने बहुत सिंपल बनाया, बट बहुत कठिन कठिन कोड होते हैं जिनको तोड़ना इतना आसान होता नहीं, मतलब ह्यूमन ब्रेन तोड़ ही नहीं सकता है बिना कंप्यूटर के, है ना। तो इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन टेक्निक। तो नॉर्मली क्या होता है कि मान लो अगर ऐसे सिंपल पासवर्ड हो जाए, तो कोई भी आपका पासवर्ड आसानी से हैक करके चुरा सकता है, इसीलिए इनक्रिप्शन यूज करा जाता है। और इनक्रिप्शन के कई सारे मेथड होते हैं, है ना। उन मेथड पे हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन उन मेथड की मदद से जो है आप अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर लेते हो। तो ये कोड लिखा, ये कोड हमें और आपको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या है, किसी को नहीं समझ में आएगा जब तक इसको डिक्रिप्ट नहीं किया करा जाएगा। और डिक्रिप्ट कौन कर सकता है, जिसको वो की पता होगी। अब अंकिता को की पता चल गई कि की वन है, वन का मतलब वन वर्ड आगे, ठीक। तो उन्होंने तुरंत उसको क्रैक कर दिया, लेकिन इसका की तो हमें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, तो इसको तोड़ना होगा कठिन। तो हम क्या करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो आप यूजर पास नाम है, यूजर पास यही पासवर्ड हमारा है। तो इस पासवर्ड को हम करेंगे अब चेंज। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आप देखो लिखा है टाइप क्या है, है ना, ये कॉलम है, ये है टाइप। तो यहाँ पर टाइप का मतलब है कि कौन सी इनक्रिप्शन टेक्निक का हमने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर देखो इतनी सारी टेक्निक है, मतलब किसी भी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली जो हम लोग करेंगे वो किस में करेंगे, MD5 में करेंगे। तो देखो MD5 कहीं आपको दिख रहा है, MD5 में दिख गया, ठीक है। अब MD5 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, फ्री ट्यूटोरियल्स, ठीक है, @1234 ये हमने पासवर्ड डाला, ठीक है। और इस पासवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने इसको कर दिया यहाँ पर गो, ठीक। अब ये पासवर्ड देखो फिर से यहाँ से कोडेड फॉर्म में आ गया ना। अब हमने, हमें याद है पासवर्ड क्या है। अब ये पासवर्ड जरा हम डाल के देखते हैं, क्या लॉगिन होता है या नहीं होता है।
इस बार हमने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी, यूजर नेम हम मान लीजिए भूल गए हैं अपना, और हमने डाल दिया पासवर्ड। देखो वही पासवर्ड हमने डाला जो अभी बनाया था, और लॉगिन पर क्लिक करा। और जब हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो आप क्या देखोगे, हमारी वेबसाइट हो गई लॉगिन। तो बाई चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो पहला तरीका हमने जो बताया ईमेल से डायरेक्ट कर लो, नहीं होता है तो ये एक टेक्निक है जिससे आप अपनी होस्टिंग के अंदर जाओ और होस्टिंग में आपको डेटाबेस मिलेगा, वहां से आप अपना डब्ल्यू पी यूजर में जा करके अपडेट कर लो। ठीक है, तो अभी ये हमारी वेबसाइट हो गई है रेडी। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट बन गई है। अब इस वेबसाइट को हम शुरू करेंगे कन्वर्ट करना, ठीक है, चेंज करना। तो देखो वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट सिर्फ दो चीजों से मिलकर के मेनली बनती है, एक होता है थीम और दूसरा होता है प्लगइन। एक होता है थीम, दूसरा होता है प्लगइन। ठीक है, थीम का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा, थीम का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा। प्लगइन आपके वेबसाइट में फीचर्स को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। बस थीम का मतलब क्या होता है, डिजाइन कैसा है, और प्लगइन का मतलब क्या होगा, फीचर्स। जिस भी फीचर की जरूरत होगी वो प्लगइन आप क्या करोगे। और वर्डप्रेस के अंदर लाखों प्लगइन्स पड़े हुए हैं, लाखों प्लगइन्स पड़े हुए हर एक काम के लिए। मतलब अगर आपको किसी तरह की फीचर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप सबसे पहले उस टाइप का प्लगइन सर्च कर लो, कुछ भी जरूरत पड़े प्लगइन सर्च कर लो, कुछ भी जरूरत पड़े प्लगइन सर्च कर लो, तो प्लगइन आपका सारा काम कर देते हैं। ठीक, तो और थीम क्या काम करती है, नॉर्मली आप डिजाइन कैसा चाहते हो, आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसी, वो डिपेंड करता है आपकी थीम पर। अगर हम थीम की बात करें कि बेस्ट थीम अब तक की कौन सी है, तो वैसे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी थीम्स हैं, बट हम लोग जो काम करेंगे वो दो तीन थीम पर ही करेंगे जो अपने हिसाब से सबसे बेस्ट है। देखो थीम जो होती है ना उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड भी मैटर करती है। अगर आप बहुत हाई क्वालिटी का हैवी थीम ले लोगे तो आपकी वेबसाइट बहुत स्लो चलेगी। फिर आती है बात फीचर्स की, क्या थीम में भी कुछ कस्टमाइजेशन के फीचर हैं, थीम में आपके कितने फीचर हैं कि आप अपनी थीम को भी और अच्छा कर पाओ, तो क्या ये फीचर्स हैं आपके पास। अगर हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो आपको अपनी थीम बदलनी पड़ेगी। थीम फ्री भी आती हैं और पेड भी आती हैं, उसी तरीके से बहुत सारे प्लगइन हैं जो फ्री भी आते हैं और, लेकिन आप ये मान के चलो कि आप सारा काम फ्री से कर सकते हो, सारा का सारा काम फ्री से कर सकते हो, बस उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बाकी आप पेड पे जाना चाहो तो पेड में भी जा सकते हो, कभी कभी हमें पेड में जाना पड़ता है जब हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो हम कर नहीं सकते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, एक बार फिर से देख लो, ऐसी हमारी वेबसाइट दिख रही है। अब हम इस वेबसाइट का थीम बदलना चाहते हैं। थीम का मतलब ये डिजाइन देख रहे हो ना, गंदी सी है, तो इसको हम क्या बदलना चाहते हैं, पूरा थीम हम चाहते हैं बदल जाए। तो दो थीम आपको शुरुआत में लेकर के चलना है जिन पर आप हमेशा काम करोगे। ठीक है, मतलब ये दो थीम आपके सीखने के लिए और इवन फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा फ्री की और अच्छी थीम मिलेंगी आपके लिए। तो पहली थीम है आपकी एस्ट्रा और दूसरी थीम है आपकी ओशियन डब्ल्यूपी। ये दो थीम आप नोट कर लो, वैसे तो हजारों लाखों थीम पड़ी है इसमें, मतलब कोई लिमिट ही नहीं कितनी थीम पड़ी है, लेकिन इस दो थीम पे आप शुरुआत करना और इस दो थीम को आप सीख लेना। बाकी आपको इसमें सीखने को इतना कुछ है, आप इतना सारा, आप देखो इस कहने का मतलब, थीम का मतलब देखो क्या, इस वेबसाइट का डिजाइन कैसा है, इसका कैसा है, इसका कैसा है, यहाँ पर आपको डिजाइन दिख भी रहा ना, ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक नीव थीम है, इसमें आपको डिजाइन इस तरीके का आएगा, एस्ट्रा में आपका इस तरीके का आएगा, है ना, ओसियन डब्ल्यू पी में देखो इस तरीके का आएगा, 2020 में इसी तरह नीचे आओगे ना, तो आपको हर कैटेगरी का थीम मिलेगा। इवन आप यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो, है ना, कि आपको बनाना क्या है, ब्लॉग बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, एजुकेशन एंटरटेनमेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर थीम पड़े हुए हैं। अब मान लो हमें एजुकेशन का बनाना है, तो हमने एजुकेशन पर क्लिक करा, और एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो हम करेंगे अप्लाई फिल्टर, आप देखोगे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी थीम होंगी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, है ना, ये देखो बुक स्टोर की थीम आ गई। अब ये कंप्लीट जैसा आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम वैसी वेबसाइट आप बना सकते हो। ये यहाँ पर अपीयरेंस में जाओगे ना तो थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ये फिल्टर रहता
एड न्यू पर क्लिक करा, यहाँ पर फीचर फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लो। यहाँ पर हम एजुकेशन में थे, इसी तरीके से आप कोई भी लगा लो, है ना। अप्लाई फिल्टर करो। अब ये देखो एजुकेशन से रिलेटेड 473 इसमें थीम पड़ी हुई है ना। देखो कितनी अच्छी अच्छी थीम पड़ी हुई है ना। किसी कोचिंग का वेबसाइट बनाना है, कॉलेज का वेबसाइट बनाना है, हर तरह का देखो थीम इसमें पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा। मजेदार मजेदार, ये सारी वेबसाइट आप बना सकते हो जैसी दिख रही है वैसी, और ये सब फ्री है, इसमें कोई भी पेड नहीं है, ठीक है। तो हम अभी जो सीखेंगे आपको, इसमें पता नहीं कौन सी हमने डाली थी, एस्ट्रा, एस्ट्रा डाली थी। तो एस्ट्रा पे हम लोग सीखेंगे, जो हमने ये वेबसाइट बनाई थी ना जैसा हमें बनाना है। हम और भी एक दो वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे। एक बार हम आपको दिखा देते हैं वेबसाइट कैसी हमें बनानी है फाइनल। देखो ये हमारी वेबसाइट है, इस तरीके की वेबसाइट आपको कंप्लीट बनानी है फाइनल, ठीक है। इसको हमने जब फर्स्ट टाइम पे बनाया था तो मुझे लगता है सब 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 बता देंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी वेबसाइट बनाई गई ना, सेम उसी तरीके से हम लोग वेबसाइट पूरी बनाएंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे। तो थीम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस्ट्रा पर जाएंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, और ये थीम हमारी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। सभी लोग करें साथ साथ में, ठीक है। तो ये थीम हमारी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे। साथ साथ में करना भाई, जो पीछे रह जाएगा हमें बता देना, हम बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहते हैं आपके बिना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थीम हमारी क्या हो गई है, इंस्टॉल हो गई ना, पक्का हो गई ना। अब इसको हम एक बार यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू लिंक टैब पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे हमारी वेबसाइट का डिजाइन बदल गया। पहले उड़ती हुई चिड़िया आ रही थी, अब नहीं आ रही ना। तो ये हमारा डिजाइन क्या हो गया है, पूरी तरीके से बदल गया है। तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की बन के आ गई है। अब हम इस वेबसाइट को और अच्छे से डिजाइन करेंगे, ठीक है। इतना काम बताओ सब लोगों ने कर लिया, ये काम थोड़ा सा पहली बार कठिन है, बाकी आप ये पूरी की पूरी वेबसाइट 15 मिनट में बना सकते हो। स्पीड जिस दिन आ गई ना, पूरी वेबसाइट आप 15 मिनट में बना सकते हो भाई साहब, और आपको हम करके दिखाएंगे कितनी स्पीड में आप ये वेबसाइट बना सकते हो। बस एक बार बात को समझ लो हमारी यार, साथ साथ में कर लो तो सीख जाओगे, नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे। थोड़ी दिक्कत वाली बात, इसको सही कराओ यार। देखो ज्यादातर लोगों की ये समस्या है कि उनका सिस्टम नहीं चल रहा है, और ये समस्या बहुत गलत है यार। जैम थोड़ी ना हैवी है, आपका सिस्टम स्लो है। जैम हैवी है, अगर आप मर्सिडीज ले नहीं पा रहे हो तो मर्सिडीज महंगी थोड़ी ना है। मर्सिडीज महंगी थोड़ी ना है, आपके पास पैसे नहीं है। देखो बात यह है कि हमारा मानना यह है कि अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है और आपका साधन ही मजबूत नहीं है, तो आप कब पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, वो भगवान ने भरोसे हो, ठीक है। तो अपना साधन मजबूत रखो, जितना अच्छा आपका साधन रहेगा उतनी स्पीड से पहुंचोगे। दिल्ली जाने के कई सारे रास्ते और कई सारे तरीके हैं, आप कौन सा रास्ता प्रेफर करना चाहोगे, कौन सा रास्ता प्रेफर करना चाहोगे, हैं? फ्लाइट सबसे शॉर्टेस्ट सबसे फास्ट, ना तो आप पैदल जाओगे, ना रिक्शे से जाओगे, ना बाइक से जाओगे, ना कार से जाओगे, ना ट्रेन से जाओगे। फ्लाइट चूज करो हमेशा, हमेशा फ्लाइट चूज करो। आपके समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, और आप
वो चीज सीख भी नहीं पा रहे हो, रीजन क्या है कि आपका सिस्टम नहीं चल रहा है। तो सिस्टम सब कुछ छोड़ के पहले अपना सिस्टम अपग्रेड करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो पहले ये पूछते हैं सर मोबाइल से क्या हम सीख जाएंगे, मोबाइल से क्या सीख जाएंगे। तो हम कहते हैं भाई देखो बताने को हम कुछ भी बता देंगे, मोबाइल में भी कर लो, लेकिन उनको बेवकूफ़ बनाने से अच्छा हम बता दो भाई सिस्टम लेके आना तभी आना, क्योंकि उसके बिना भाई वही आपके लिए सब कुछ है ना, उससे आप कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हो। हथियार है भाई, अगर आप कोई लड़ाई में शामिल हो ना तो आप पहले अपना हथियार तो कम से कम तैयार रखो ना। सिस्टम लो, चाहे घर पे झगड़ा लड़ाई मारपीट कुछ भी करना पड़े, करके सिस्टम ले लो एक अच्छा। चोरी भी करना पड़े कर लेना हमारे यहाँ छोड़ के, ठीक है, लेकिन सिस्टम अपना अच्छा कर लो कम से कम। बहुत जरूरी है यार, सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो फिर आप सीख नहीं पाओगे ना, कुछ भी नहीं सीख पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे, लोग आगे निकल जाएंगे और सोचोगे आज नहीं कल कर लेंगे, वो भी बहुत गलत चीज़ होगी। आज करो, अभी तुरंत करो। बात यह है कि अभी 4 दिन में आप कहाँ से कहाँ कोई निकल जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। आप लोगों को मिनिमम i5 से नीचे तो सोचने नहीं चाहिए, है ना। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो नाजा में सेकेंड हैंड लैपटॉप मिलते हैं, सारी दुकानों पे लगभग मिलते हैं। जाओ आपको 25 से 30 हज़ार रुपये में बहुत अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा, बहुत बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा जो अच्छा चलेगा, है ना। आप उससे अपना काम चला सकते हो। वही लैपटॉप आप नया लोगे तो आपको 50-60 हज़ार कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप आधे रुपये में आप अच्छा लैपटॉप आपको मिल जाएगा तो जा करके वो ले लो, क्या दिक्कत है। मिनिमम i5 8 GB रैम और SSD मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। उसके नीचे आप करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा, खुद इरिटेट हो जाओगे। समय आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, अभी समय नहीं है आपके पास। समय की कीमत को समझो, उससे महान और ज़रूरी आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक बार हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर एक तरफ एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है, एक तरफ एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 90 साल है, बूढ़े आदमी के पास 1 अरब रुपया रखा है और 10 साल का जो बच्चा है उसके, 10 साल हम छोड़ देते हैं, 20-25 साल हम अपनी उम्र ले लेते हैं, हमारे पास अभी कुछ भी, हम बिल्कुल भिखारी हैं, एक भी पैसा नहीं है। लेकिन अगर वो कहे आप मेरा सारा पैसा ले लो और अपनी उम्र दे दो, तो क्या हम देंगे। 1 अरब रुपया दे रहा है आपको भाई, उम्र एक्सचेंज करोगे अपनी, समय एक्सचेंज करोगे क्या, क्यों नहीं करोगे भाई। वो 1 अरब तो आप हो सकता अपनी जिंदगी भर में ना कमा पाओ, लेकिन आपको एक साथ मिल रहा है, फिर भी आप बदलने को रेडी नहीं हो। रीजन क्या है, क्योंकि समय इम्पोर्टेंट है। टाइम को कभी कंप्रोमाइज मत करो, कभी मत करो। एक एक सेकंड की वैल्यू को समझो, तभी आपका काम बनेगा। और हमेशा पैसा ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो, उसको वेस्ट करना हम नहीं बोलेंगे, जो आपके टाइम को बढ़ा देते हो। लोग कहते हैं कि हमें 24 घंटे में 24 घंटे ही मिलते हैं। कोई अंबानी बन जाता है, कोई हमारे जैसा ही रह जाता है, कोई आप जैसा ही रह जाता है, कोई बेचारा गरीब का गरीब भिखारी ही रह जाता, सब कैटेगरी के लोग हैं। रीज़न ये है, जिसने समय को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर पाया वो उतना आगे निकल जाता है। वो 24 घंटे में 48 घंटे भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो समय हमेशा उन चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे उनका समय बढ़ जाता है। जो काम आप कर सकते हो और आपके बगल वाला भी कर सकता है, आपके घर वाला भी कर सकता है, वो काम आप कतई मत करो। आप हमेशा वो काम करो जो आपका अगल बगल वाला ना कर सकता हो, आपका समय बढ़ जाएगा। अगर अगर आपके बहुत सारे काम आपके घर वाले कर देते हैं तो वो काम में आप अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो। अगर आपके घर पे बर्तन कोई और धुल सकता है, खाना कोई और बना सकता है, तो उस टाइम को आप अपनी अपनी लर्निंग में या किसी और काम में यूटिलाइज कर सकते हो। आप वो काम करो ही मत, ये बेस्ट तरीका है अपने समय को बचाने का। आप ऐसे काम मत करो जो कोई और कर सकता है।
आप सिर्फ वही काम करो जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ वही काम करो। आपके घर पे बहुत सारे काम होते होंगे, उसके लिए आपको अगर पैसा भी लगाना पड़े तो आप लगा दो, उसके लिए अगर आपको पैसा भी लगाना पड़े तो लगा दो, वो पैसा आपको उससे ज्यादा दे के जाएगा। भाई वैल्यू तो समय की है ना। अगर देखो बात ये है ना कि हमारा माइंडसेट ही गड़बड़ है, हम वो सोच नहीं पा रहे। हमको लगता है कि अगर घर पर हम अपने साफ सफाई वाला लगा लेंगे या घर कोई और काम करने के लिए हम किसी को हायर कर लेंगे तो हमारा उससे नुकसान होगा। जी नहीं, आपका उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो ही आपका गलत माइंडसेट है। मेरे घर पे बहुत सारे काम है, गाड़ी साफ करना है, झाड़ू पोछा लगाना है, बहुत सारे गमलों में वो करना, तो आपके इंटरेस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो मन करता है, टाइम है आपके पास वो करो, ठीक है। बट अगर आपके लिए वो टाइम में आपको लगता है कि उस टाइम में आप उतना ज्यादा कर सकते हो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे यहाँ ऑफिस में बहुत सारा काम होना था, ठीक है, टेबल बननी थी, चेयर बननी थी, तो हमने सारा काम सनी को दे दिया कि भाई तुम ये करवा लो, सब जो पैसा लगे लगा लेना और तुमको जो करना है कर लेना, पैसा हमसे ले लेना, सब तुम अपने हिसाब से करवाओ, पैसा हमसे बढ़ा के ले लो। उससे हमने जो समय बचाया ना, उस समय में हमें उससे ज्यादा कहीं अर्न कर लिया। बात समझ रहे हो? जैसे कि अभी अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं, तो अभी आप अपना लर्निंग पे फोकस करो, वही आपके लिए सब कुछ है, वही आपके लिए पैसा है, उसको पैसे से कंपेयर करो। अगर आप 1 घंटा लर्न कर रहे हो तो आप ये समझना कि आप 1 लाख रुपया अर्न कर रहे हो। वो तुरंत नहीं मिलेगा यार, वो तुरंत थोड़ी ना मिल जाएगा आपको, उसको मिलने में बस टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन 1 घंटा 1 लाख से कम नहीं होगा आपके लिए। अगर वही 1 घंटा आप दूसरे काम में लगा सकते हो जो काम कोई और कर सकता है, अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप पैसा दे दो उसको और वो काम करवा लो, पैसे से कंप्रोमाइज मत करो, तुरंत आप उससे करवा लो। हमेशा फास्ट चीजों और नंबर वन बनने की कोशिश करो। अगर आपको कोई काम जल्दी हो सकता है, टाइम बचा सकते हो, तो वो काम पे फोकस करो। डिजिटल मार्केटिंग या पैसा कमाने आप क्यों सोच रहे हो इतना जल्दी, इस फील्ड में क्यों आए? क्योंकि आप जल्दी चाह रहे हो और यहाँ जल्दी मिलने की गारंटी भी है, यहाँ तो गारंटी भी है आपको मिलेगा, बस काम वही करना है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन अब अगर आपका काम करने का साधन ही गड़बड़ होगा, उसमें कोई सहयोग आपका नहीं कर पाएगा फिर ना, तो इसलिए अपने साधन को बहुत ज्यादा मजबूत करो। जो करना, देखो संघर्ष करना पड़ेगा आपको, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उतनी बड़ी सफलता चाहते हो तो किसी के पास पैसा है, वो नॉलेज नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता है, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सीखना चाहते हो, ये अच्छाई है आपके अंदर, तो वो कहीं से भी आपको ग्रैब करना है, वो चीज कहीं से भी आपको वो ग्रैब करना है, लाना है, ठीक है। कैसे आएगा ये, बस आप ये सोच लो हमें ये चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। कहां से आप कर सकते हो ये आप जानो। अभी फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में घनिष्ठ मित्र या फैमिली में किसी को बड़ी गंभीर समस्या आ जाए, इसमें आपको 1-2 लाख रुपया लगाना ही तुरंत लगाना पड़ेगा, तो क्या आप नहीं पैसा ला पाओगे? दौड़ के ले आओगे। वो जुनून आपका इस काम में भी आ जाए, बस हम ये चाहते हैं। वो जुनून ही है जो पैसा इकट्ठा करके ले आ रहा है, समझ रहे हो? जब कोई प्रॉब्लम आती ना तो इतना ज्यादा जुनून आ जाता कि आपकी नींद गायब हो जाती, भले आप 4 दिन से सोए ना हो, लेकिन फिर भी आपको उस टाइम पर नींद नहीं आती है। वो जुनून ही है जो आपको सब कहीं से सबसे पैसा मांगने को मजबूर कर देता है, सब कुछ करने पे मजबूर कर देता है, गलत सही करके आप किसी तरीके से वो चीज लाने की कोशिश कर लेते हो। तो वो जुनून आपके अंदर आ जाना चाहिए बस, और वो जुनून आ जाएगा ना कि नहीं मुझे लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना फिर। और हर चीज में ऐसा जुनून होना चाहिए, हम लैपटॉप की ही बात थोड़ी ना करते हैं, हर चीज में। आपको भी गोल अचीव करना है, आपको वेबसाइट बनानी है, जब तक आपकी वेबसाइट ना बन जाए जुनून होना चाहिए आपके अंदर। आप कोई काम ही ना करो, साला खाना पीना छोड़ दो, और ऐसा करोगे ना तभी उस लेवल पे भी पहुंचोगे। ऐसे कोई नहीं पहुंचता है यार, कोई भी नहीं पहुंचता है कंफर्टेबल जोन से जा करके। अगर आप सोचोगे नहीं कंफर्टेबल जोन में रह करके आपको सफलता मिलेगी, तो भूल जाओ भाई साहब, आप गलत जगह आ गए हो। आप कंफर्टेबल, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, तो डैम से और है। तो कोई फाइनेंशियल कर सकता है, कोई मेहनत से कर सकता है, जैसे आप कर सकते हो वैसे संघर्ष करो भाई, लग करके करो उसको।
ठीक है, तो अपना लैपटॉप अच्छा अरेंज कर लीजिए, और मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। समय देना भाई, जितना दे सकते हो उतना देना, इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका जीवन बना रही है। अभी तक के जीवन में आपने जो पढ़ाई करी है ना, वो उतना रिजल्ट नहीं देगी जितना ये आपको 4 से 6 महीने देने वाले हैं। ये टाइम जो आपको देने वाला है ना, उतना पूरे जीवन की पढ़ाई एक तरफ और ये पढ़ाई एक तरफ है, तो इसको आप इग्नोर मत करो, इसको आप हल्के में मत लो। इंसान 10 से 12 साल पढ़ाई करता है एक छोटी सी 20-25-30 हजार रुपए की जॉब के लिए। कितने साल पढ़ाई करता है, वो भी हवा में रह के पढ़ाई करता है, लगेगी या नहीं लगेगी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। पैसा लगाता है, समय लगाता है, पढ़ता है, न जाने क्या क्या झेलता है वो और उसकी फैमिली वाले। और यहां पर तो एकदम गारंटी है भाई कि आपको रिजल्ट मिलना तय है एकदम, बस आपको वो विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि आपने वो अचीव नहीं करा है, बस इसीलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन वो मिलेगा तब जब आप उस चीज पर अभी विश्वास कर लोगे। अभी आप विश्वास करो ना कि आप वो लाख रुपए आप कमाने वाले हो। अरे यार, 1 लाख रुपए एक महीने का तो कुछ भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, कुछ भी नहीं है। आपकी फील्ड में और 1 लाख रुपए अभी आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन यकीन मानो जब वो आपको मिलेगा ना, वो आपके लिए इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि आप करोड़ों में बात करोगे सीधे। वो आपके लिए इतना छोटा हो जाएगा, उसको छोटा आपको बनाना पड़ेगा। बस ये आप कर लो, इतना अगर कर लोगे ना तो फिर काम बन जाएगा। हर चीज की मतलब डेली लाइफ में डेली आप अपने टाइम का एक प्रायोरिटी बनाओ, हर काम की प्रायोरिटाइजेशन करो कि आपको किस काम को तवज्जो देनी है, वो काम आपको जरूर से जरूर और सबसे पहले नंबर पे करना है, उसमें आप सबसे पहले इसको रखो। जो भी यहाँ से बताया जाए, जो भी कराया जाए, उसकी प्रैक्टिस करो, वो चीज़ पढ़ो, मुझसे पढ़ो, मेरे जैसे और लोगों से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो। आपका मकसद है वो चीज़ क्रैक करना, बस आपका मकसद है इस समय वर्डप्रेस और वेबसाइट बनाना सीखना। हम यहाँ पर तो सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर कर रहे हैं ना आपके अंदर, और क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी चीज आपको बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको सीखना है तो आपको खुद लगना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। कोई आपको नहीं सिखा सकता, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद नहीं लगोगे, खुद से आपको लगना पड़ेगा। आप हम पढ़ाएं यहां 1 घंटा, घर जाके इतना जुनून हो कि आप जाके 10 घंटा पढ़ो, और जब तक वो चीज उसके अंदर की एक एक चीज नस न पकड़ लो तब तक आप उसको छोड़ो ही मत, तब आप सीख पाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि हमने बताया तो उसका 10-20% ले लिया और आपका काम बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई। मतलब काम चलो वाला तो बन जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आप चाहते हो वो रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेगा, उसमें फिर आपको एकदम लगना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज मिलेगी। कोई भी जिसको रिजल्ट मिलते हैं वो टाइम तो देता ही देता है, बिना उसके आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो अभी तो आप बिल्कुल जीरो, मतलब अभी आप किसी भी लेवल पे नहीं हो समय के मामले में, आपने समय ही नहीं दिया है, अब आपको उतना समय देना है। एक चीज हम आपको बताएं, बहुत बढ़िया चीज, जबरदस्त चीज, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी, एक मंत्र है उसका, और ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था, वो बुक का नाम मुझे नहीं याद है, और वो लाइन इतना ज्यादा साइंटिफिक है, इतना ज्यादा साइंटिफिक है कि उससे कुछ भी असंभव नहीं है। इवन आप भगवान को भी पा सकते हो, इतना संभव है उस फॉर्मूले से, उस मंत्र से, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। वो मंत्र जानते हो क्या है, अगर आप किसी काम को 10,000 घंटे कर लेते हो या 10,000 बार कर लेते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था। वो चीज इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको कुछ भी पाना है ना, आपने देखा ना किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो उस चीज को 10,000 घंटे से ऊपर सारे लोग क्रॉस कर चुके होते हैं और वो चीज उनको मिल जाती है। ब्रूसली को तो सब लोग जानते हैं ना, ब्रूसली एक बात कहता था, क्या कहता था कि वो ऐसे इंसान से नहीं डरता है जिसको 10,000 पंच आते हों, वो ऐसे इंसान से डरता है जिसको 1 पंच 10,000 बार जिसने प्रैक्टिस करी हुई है। इस बात को बहुत बारीक से समझो, 1 पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस करी हुई है,
ये महत्वपूर्ण है। ये नहीं महत्वपूर्ण कि आपको कितना कुछ आता है, ये महत्वपूर्ण है कि आपको जो आता है उसमें कितना अच्छा आता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के मास्टर बनना चाहते हो, तो उसमें 10,000 घंटे आप इन्वेस्ट कर दो और आप सफल हो जाओगे। इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग सफल बनते हैं ना, ये उन्हीं का रूल है, और ये रूल आपको कहीं नॉर्मली नहीं मिलेगा। अगर वो आप बुक पढ़ोगे, मुझे बुक का नाम तो नहीं याद है अभी, उसी में ये चीज लिखी हुई है कि जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं उसने उस काम में 10,000 घंटे दिए हुए हैं कम से कम। तो अगर आप अपने काम में 10,000 घंटे जिस दिन भी अचीव कर लोगे उस काम में, उस काम के आप मास्टर ऑटोमेटिक बन जाओगे। मतलब उसमें कुछ आपको करना नहीं है, एफर्ट नहीं करना है, बस वो काम आपको उतने समय तक करते जाना है। ये तो हो गया संघर्ष। अगर आप स्मार्ट हो तो और जल्दी कर सकते हो, लेकिन अगर हार्ड वर्किंग हो आप, लगन है, तो इस तरीके से भी आप अचीव कर सकते हो। कुछ भी पाया जा सकता है इस रूल से। आप किसी भी काम को 10,000 बार कर लोगे, उस काम को कोई नहीं रोक सकता है कि आप उसमें असफल हो जाओ। आज तक कोई असफल हुआ ही नहीं, और अभी हमने कितना टाइम दिया हुआ है, कुछ ही घंटे दिए हुए हैं। 10,000 घंटे देने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये डिवाइड कर लेना, तब आप देखना कि हम किस दिन सफल होंगे। अपनी सफलता का दिन खुद निश्चित कर सकते हो आप। 10 घंटा डेली तो 2.5-3 साल में आप नंबर वन बन जाओगे। ये भी तो देखो, अगर आप उतना डेली देते हो कंसिस्टेंटली, तो नंबर वन बन जाओगे। ये हम सीखने की बात कर रहे हैं। ये सर वो सौरभ पटनागर बताए थे, तो बता दी सर। अच्छा, तो ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था, और इस बात को आप बहुत ज्यादा ध्यान दो कि भाई यार समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं ना, इसको प्रायोरिटी दो, इसमें टाइम दो। आप जितना ज्यादा दे सकते हो उतना ज्यादा दो। काम तो आपका कम घंटे भी चल जाएगा, लेकिन उसको काम थोड़ी ना आपको चलाना है, आपको तो मास्टर बनना है ना। तो मास्टर बनना है, और भाई आप क्या कर सकते हो ये सोचो। आपको पता है फैमिली में बड़ी बड़ी फैमिली होती है जिसमें 10 लोग 15 लोग होते हैं, लेकिन उस फैमिली को ड्रिवन करने वाला सिर्फ एक ही पर्सन होता है, चाहे जो फैमिली देख लो आप, वही है जो कमाता है और पूरी फैमिली को खिलाता है। तो अब आप ये सोच लो, आप खाने वाले बनोगे या खिलाने वाले बनोगे? सेम वही काम आपके समाज में है, सेम वही काम आपके देश में है। ये देश चलाने वाले कुछ ही लोग हैं, टाटा जैसे लोग, जिनकी वजह से पूरा देश चल रहा है। कुछ ही लिमिटेड ही लोग तो हैं जिनकी वजह से पूरा देश चला। अगर वो ना हो तो सोचो देश की क्या दशा हो जाएगी। इसी तरीके से परिवार में एक लोग इतना इम्पोर्टेंट होता है, वो कमाने वाला, कि उसकी वजह से पूरा परिवार चलता है। अगर वो ना रहे तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। तो आप हमेशा वो बनो, वो वन बनो, कि आपकी वजह से वो काम ही बंद हो जाए, आपकी वजह से वो काम ही बंद हो जाए। सोचो हमने क्या करा, हमने जितने भी क्लाइंट रीच करे हैं, हमने उन क्लाइंट को इतना जबरदस्त काम करके दे दिया है कि अगर मैं ना होऊंगा ना तो उनका काम बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर लोगे ना, तो मुंह मांगा पैसा आपको मिलेगा, जो कहोगे वो होगा। ये चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, जॉब करते हो आप, इतना ज्यादा अपने बॉस को इंडिपेंडेंट, अपना अपने आप को इतना ज्यादा वो कर दो ना कि वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए, आपका बॉस आप पर डिपेंडेंट हो जाए। मतलब उसको ऐसा लगने लगे, उसको ऐसा फील कर दो, करा दो कि यार उसका जो है काम ही नहीं चलेगा आपके बिना। फिर देखो जो चाहो वो करवा लो, आप जो चाहे वो करवा लो, जितना चाहे उतना पैसा बढ़वा लो, लेकिन उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा कि उसको बना दो ऐसा तुम। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लोगे। आप जिम्मेदारी लेना सीख लो। मतलब घर पे जो इंसान ऐसा होता है कमाने वाला, वो जिम्मेदारी लेता है, बस और कुछ थोड़ी ना करता है, वो जिम्मेदारी लेता है। वो समझता है कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी आप लोगे आपके सारे काम हो जाएंगे। अभी मान लो मैंने कोई क्लाइंट रीच करा, तो अगर हमने ये सोचा कि यार ये काम मेरा नहीं है, या बॉस ने हमें कोई काम दिया तो हमने कहा यार ये काम मेरा नहीं, मैं क्यों करूं। लेकिन नहीं, वो काम कहे बाद में आप कर पहले दो। समझ रहे हो? उसको लगने लगे कि यार नहीं आप ही सब कुछ हो, फिर देखो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। और आप अभी सर्विस इंडस्ट्री में आओगे या जो भी काम करोगे उसमें भी आपको ऐसा करना है।
आप अपनी ऑडियंस को इतना वो कर दो कि आपके बिना उनका काम रुक जाए, कर सकते हो क्या? आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो, आगे चल करके यूट्यूब या वेबसाइट या कुछ भी काम करोगे, सोचो आपके बिना लोगों का काम रुक जाए, अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ एक चीजें हैं, आप थोड़ा सा समय का यार ध्यान रखो और अपनी चीजों को थोड़ा इम्प्रूव कर लो, तो शायद हम लोग और जल्दी सफलता पा जाएंगे। तो हमने ये एस्ट्रा को एक्टिवेट कर लिया है, अब जिसका भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, कल आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, रीसेट कर लेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे, जो भी करना है वो आज ही करवा लेंगे। आप अपने भैया से पूछ लीजिएगा कि भैया सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, क्या हम इसको फॉर्मेट करवा सकते हैं, और जो भी 100-200 रुपये लगेगा उसको जाके तुरंत आज फॉर्मेट करवा लीजिएगा, आपका सिस्टम बढ़िया चलने लगे। इस कंप्यूटर में अगर SSD नहीं लगी तो SSD लगवा लेना, 1,000, 1,500, 2,000 की लगेगी, उससे आपका सिस्टम तेज हो जाएगा। अगर आप और पैसा लगा सकते हो तो नया लैपटॉप ले लेना। इतना जो करवाया है ये थोड़ा सा कर लेना, आज तो हमने कुछ किया ही नहीं है बेसिकली, तो कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है?